हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से, अगर आपका मान लीजिए वोटर आईडी दो जगह पे बना हुआ तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है आपको। तो उनसे बचने के लिए मान लीजिए आपकी, जैसे कि आपका हरियाणा में भी आपका पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ और दिल्ली में भी बना हुआ मान लीजिए, तो अगर दोनों जगह बने हुए हैं तो आपको एक जगह का डिलीट करा देना चाहिए। तो इसी के तहत इनको नज़र रखते हुए इन चीज़ों सभी को तो हमने एक वीडियो बना रहे हैं इसी के ऊपर कि मान लो अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे। तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखें, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होगा, प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद में यहाँ पर वोटर आईडी वाला वोटर हेल्पलाइन का जो ऐप्स है वो डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो वो वोटर तो उसको हम यहाँ पे वोटर हेल्पलाइन तो ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखा। अगर नहीं भी कर सकते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा इसी एप्लीकेशन का, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इंटरफेस आने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ पे स्किप लॉगिन पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फॉरम पे आना है, यहाँ पे साइड में फॉरम पे आ गए। फॉरम के बाद में यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे अप्लाई, ऑनलाइन न्यू, या ट्रांसफ़र शिफ्टिंग, या डिलेशन का मतलब होता है कि डिलीट, डिलीट फॉरम 7। उसके बाद करेक्शन ऑफ एंट्री फॉरम 8 वाला होता है। फिर ट्रांसपोजिशन होता है फॉरम 8A होता है, मतलब इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट, मतलब अगर आप किसी कार्ड को दोबारा से रिप्लेसमेंट करना चाहते हो या वो खो गई है, गुम हो गई, उसको दोबारा से ही उसी सभी एड्रेस को आप मंगवाना चाहते हो दोबारा से, रीप्रिंट बोल लीजिए आपको, उसको दोबारा से ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको ये चेक करना होगा। उसके बाद एफ ए क्यू का मतलब, यहाँ पर जाकर आप सभी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हो उनमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हम फॉरम 7 चूज़ करते हैं, कंटिन्यू पे करेंगे। कंटिन्यू पे करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम भरतपुर कर देते हैं। भरतपुर के बाद आपका तहसील चूज कर लें। तहसील चूज करने के बाद में ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे उस व्यक्ति का आप नाम डाल लें जिसकी आप वोटर लिस्ट आईडी है जो डिलीट करना चाहते हैं। सिंपल सा स्टेप यहाँ पे कर लें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट नंबर 1 होगा और सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, तो ये किस तरीके से खोजते हैं इसका भी हम बता देते हैं। यहाँ पे आपको सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे आप उसके नाम से भी कर सकते हैं, बार कोड से भी कर सकते हैं। बार कोड आप समझते हैं कि ऊपर दिया होता, तो यहाँ पे हम उसका नंबर डाल देते हैं। तो नंबर डालने के बाद में सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर उसकी देखिए पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए पूरा आ चुका है उसका नाम, उसकी एज जो 31 वर्ष है, उसके पिता का नाम फादर हर नाम से है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे चेक मार्क पे आप अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 15 है और यहाँ पे पार्ट नाम फूटा की दिया हुआ है और सीरियल नंबर 596 है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट करेंगे तो हम उसको, और यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी लिखा हो पोलिंग स्टेशन, जैसे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लेफ्ट पार्ट फूटा की, तो यहाँ पे सभी कुछ दिया होता है। यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर और ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ आना होगा स्क्रॉल करके, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट नहीं करना, सॉरी ऊपर करना है। यहाँ पर अगर आप एक जीमेल डाल दें जिस पर आपको इसका जो स्टेटमेंट, आप बाद में इसका नंबर से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से इस नंबर को डाल दें जो वोटर आईडी का जो आप डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे टर्म एंड कंडीशन आपको दी हुई है, आप उस पर ओके करते हैं। एक बार चेक कर लें आप अच्छे से कि हाँ आप सही ने सब कुछ फिलअप कर दिया है। मोबाइल नंबर जरूरी डालना है आपको, फिर IJS 055 94 35। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। इसमें ये दिया हुआ कि एक ऊपर लिखा ऑब्जेक्ट, मतलब आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, आप किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाकर तो भी आप उस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी के दो आइडेंटिटी कार्ड बने हुए, पहचान पत्र दो बने हुए हैं और आप ऑब्जेक्शन उठा के उसको डिलीट करा सकते हो, तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन। उसके बाद आपका कोई रिलेशन वाला है तो आप उसका डिलीट करना चाहते हो,
तो नीचे वाला आप कर लें, हाँ तो रिलेटिंग मतलब ये होता है, और नीचे वाला ये है कि आप स्वयं का खुद का काटना चाहते हो तो नीचे नीचे का आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे टिक मार्क कर दें और उस व्यक्ति का नाम डाल दें, दोबारा से एक बार कन्फर्म कर दें कि आप उसका डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नाम डाल दें और फर्स्ट नेम और सरनेम, सरनेम का पता ही, जैसे कि यहाँ पर हम डाल रहे हैं, मान लीजिए जैसे किसी का नाम है विनय कुमार तो विनय फर्स्ट में आएगा, कुमार नीचे आएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि हम पहले बता दिया था, यहाँ पे आपको ये याद रखना है आपको, ओके। तो उसके बाद फिर दोबारा से आप उसी को IGS को डाल के और दोबारा से उस नंबर को फ्लिप कर दें। जो EPS का मतलब होता है एक कार्ड नंबर ऊपर दिया होता है, सॉरी वोटर ID के ऊपर एक नंबर दिया होता है जो, तो उसके बाद हम दोबारा से इसको ये डाल दिया, हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे रीजन डालना होगा, ठीक है। तो रीजन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, रीजन में भाई एक्सपायर्ड या शिफ्टेड या मिसिंग या नॉट क्वालिफाइड या रिपीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो ये कहने का मतलब ये कि अगर दोबारा से हो गया है तो उसको आप डिलीट भी करा सकते हैं। हमें शिफ्ट मतलब ये शिफ्ट हो रहा है, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, तो कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे आपको डालना होगा कि आप कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो आपको ज़रूरी डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अलवर डाल देंगे, जैसे कि हम भरतपुर अलवर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आएगी आज की। और एक बार आप चेक करना चाहते हैं पूरी डिटेल को तब चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, अब यहाँ पे आपको डन कर देना। डन करने के बाद में देखिए यहाँ पे पूरा आ चुका है, और जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सीरियल नंबर, ईमेल आपने डाल दिया है, और EPIS नंबर है जो हमने डाल दिया, जो कि वोटर ID का नंबर होता है, वोटर कार्ड का नंबर होता है। और उसके बाद हमने दोबारा से यहाँ पे डाल दिया है कि हम डिलीट करना चाहते हैं, वही सेम है, देख लीजिए एक बार आप चेक कर लें इसको। और यहाँ पे ये बताया कि रीजन फॉर ऑब्जेक्शन रिलेशन का मतलब शिफ्ट प्लस अलवर है, यहाँ पे आप कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर दिया हुआ, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लें। तो इसका काम ये है कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आने वाले भविष्य में ये आपका मतलब जैसे कि आपको चेक करना है कि इसका स्टेटस ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ, तो आप एक्सप्लोर पे जाएंगे, यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में देखिए जो हमने अभी यहाँ पे ID डाली है, तो उसका हम नंबर डाल देंगे यहाँ पे, और नंबर डालने के बाद में हम उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं उसका ट्रैक नंबर। तो यहाँ पे हमने वो ढूंढ लिया, उसकी रेफरेंस ID नंबर है जो यहाँ पे हम डाल देते हैं और ट्रैक एप्लीकेशन पे ओके करेंगे, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि वो कब तक डिलीट हो पाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, आप किसी भी यहाँ पे पूरा बता दिया जाएगा कि कब से कब तक डिलीट होगा या कैसे नहीं होगा, तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। जैसे कि हमने ऑलरेडी एक सर्च किया हुआ वो भी यहाँ पे स्टेटस चेक हो जाता है, जैसे हमने पहले एक नीचे किया हुआ था कर्नल सिंह के नाम से, तो उस तरीके से भी हो सकता है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एक आपसे प्रार्थना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।